पता ना होने की वजह से एक आदमी गैंगस्टर की इंसल्ट कर देता है। अब गैंगस्टर बदला लेने के लिए उसकी वाइफ के करीब आने की कोशिश करता है। उसने उसे भी फंसाने का प्लान बनाया था। हेलो फ्रेंड्स, इसी प्रीवियस थीम पर बेस्ड रिप्लीज गेम 2000 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी की सिचुएशन थ्रिल से भरी हुई है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर टॉम रिपली को देखते हैं। ये चोरी करना और इस तरीके की बहुत सारी इलीगल चीजें करता है। आज वो अपने फ्रेंड रीव्स के साथ था। इन्होंने पेंटिंग की चोरी की है और इसी की डील करने के लिए जा रहा था। जिस आदमी के साथ टॉम डील करने वाला था वो बहुत ही क्लासी था और वो रीव्स को वहां पर लेकर नहीं जा सकता। रीव्स ने खुद कॉल कर पेंटिंग की डील कर ली थी। अब टॉम जाकर बायर से मिलता है। इनिशियली बायर बहुत ही कम पैसे देने वाला था। टॉम ने ऑलरेडी रिसर्च किया था और इसके लिए बहुत सारे पैसे मांगता है। बायर को बात अच्छी नहीं लगती। वो जबरदस्ती टॉम से पेंटिंग लेने वाला था पर टॉम ने उसके आदमी को मार डाला। पेंटिंग के साथ पैसे भी लेकर वहां से वो चला जाता है। ये वैसे उसने रीव्स को दे दिए। पेंटिंग सेल कर बहुत सारे पैसे अपने आप के लिए रख लेता है। अब मूवी में 3 साल बीत चुके हैं। अब टॉम इटली में रहता है और अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश है। पेंटिंग सेल करने से उसे जो भी पैसे मिले थे इसे उसने एक बड़ा मैंशन खरीद लिया है। आज अपनी वाइफ के लिए एक पियानो बाय कर रहा था। जब वो घर पर वापस आ रहा था तो अपने एक नेबर से मिलता है। नेबर का नाम है जॉनाथन। जॉनाथन ने उसे कहा कि कुछ फ्रेंड्स के साथ मेरे घर पर आज पार्टी है, अगर तुम चाहो तो तुम भी आ सकते हो। टॉम ने इसके लिए उसे हाँ कहा। वो जब पार्टी पर पहुंचता है तो जॉनाथन की वाइफ सारा से मिलता है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। इन दोनों ने बातें की और इसके बाद वो जॉनाथन के पास आया। जॉनाथन को पता नहीं था कि टॉम इसी रूम में है और उसके खिलाफ वो कुछ भी बोलने लग जाता है। कहता है टॉम ने जो घर बाय किया इसकी उसने पूरी वाट लगा दी है, उसे आर्किटेक्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बाद में टॉम रियलाइज करता है कि टॉम यही पर है। टॉम भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। इन दोनों में फाइट हो ही जाती तभी सारा वहां पर आ गया और सारी चीजें शांत हो जाती है। टॉम गुस्से में घर पर आया और 3 साल बाद उसके घर पर रीव्स आया हुआ था। टॉम कहता है कि मुझे जल्दी बताओ कि तुम्हें काम क्या है, वरना तुम्हारी बॉडी गटर में मिलेगी। रीव्स कहता है वो पेंटिंग सेल कर तुम्हें बहुत प्रॉफिट मिला था, आज मैं एक ट्रबल में हूँ तो तुम्हें मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। रीव्स ने 3 सालों में बहुत सारे कसिनो और बार लिए थे, पर अचानक से एक आदमी उसे कॉम्पिटिशन के लिए आया हुआ है। वो आदमी उसके बार में अंडर एज लड़कियों को भी डांस करवाता है। रीव्स चाहता था कि टॉम जाकर उस आदमी को मार दे, क्योंकि अगर खुद उसने ऐसा किया तो सारा शक उस पर ही जाएगा। आउटसाइडर का काम किसी को भी समझ में नहीं आएगा। टॉम इस बात को सीरियसली लेता नहीं। रात में जब वो अपनी वाइफ के साथ था तो उसकी वाइफ पूछती है कि पार्टी कैसी थी। टॉम कहता है कि बहुत ही घटिया थी। उसके वाइफ ने कहा कि जॉनाथन को कैंसर है, शायद उसी वजह से उसका मूड खराब होगा। इस बात पर टॉम जरा सोच लेता है। अगले दिन वो जॉनाथन पर नजर रख रहा था। उसने फिर रीव्स को कॉल लगाया। उसने कहा कि अगर तुम किसी न्यू आदमी को लाओ तो वो भी ये काम कर सकता है। रीव्स को किसी न्यू आदमी को काम देना सही नहीं लग रहा था, पर टॉम ने जॉनाथन के बारे में रीव्स को बता दिया। टॉम को पता था कि जॉनाथन के पास ज्यादा पैसे नहीं है, मजबूरी में काम वो करेगा पर इसमें वो फंस सकता है। इसी तरीके से उससे बदला लेना चाहता था। रीव्स ने फिर जॉनाथन को कॉल किया, एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया, कहा कि तुम्हें इस काम के लिए बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जाते वक्त जॉनाथन की वाइफ सारा जहां पर काम करती है, जॉनाथन ने वहां की सारी चीजें देखी। उसकी वाइफ सारा को उसका बॉस हरास करता था। पैसों के लिए सारा को एक काम करना पड़ता है, ये जॉनाथन को अच्छा नहीं लगता। वो फिर होटल आकर रीव्स से मिला। रीव्स उसे कहता है कि मैं तुम्हें $50,000 दूंगा पर तुम्हें एक आदमी को मारना पड़ेगा। जॉनाथन इस बात से बहुत डर गया, ये काम वो कैसे कर सकता है। रीव्स ने उसे समझाया कि वैसे भी तुम कैंसर से मरने वाले हो तो एक काम तुम कर ही सकते हो, अपनी फैमिली के लिए तुम्हें कुछ पैसे छोड़कर जाने चाहिए। जॉनाथन के जाने के बाद रीव्स ने टॉम को कॉल लगाया, कहा कि वो काम नहीं करने वाला। टॉम कहता है मेरी तरफ से मैं $50,000 दूंगा, तुम उसे फिर से डील देना। जॉनाथन अपनी वाइफ के जॉब के बारे में सोचता है, वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ फिर से वहां पर काम करे। अगले दिन रीव्स फिर से जॉनाथन से मिलने के लिए आया। उसे कहता है अब मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा। इस बात पर जॉनाथन सोचने लग गया था। उसका काम खत्म हो जाने के बाद जब वो घर पर जा रहा था तो टॉम उसे लिफ्ट देता है। टॉम उसे कहता है तुम्हारी फैमिली बहुत ही ब्यूटीफुल है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो उनके लिए कुछ भी करता। जॉनाथन ने काम करने का डिसाइड कर लिया था। वो एक काम करने के लिए चला गया तो रात में टॉम सारा के पास आता है। बातों बातों में जॉनाथन की बीमारी का सब्जेक्ट आया। सारा कहती कि जॉनाथन आजकल बहुत एंग्री है कि उसे कैंसर क्यों हुआ, उसे बहुत तकलीफ होती है। वो कभी कभी चाहती है कि अगर जॉनाथन की डेथ फास्ट हो गई तो उसे इतनी तकलीफ होगी नहीं।
टॉम ने आज रात उसे सहारा दिया। हम देखते हैं कि जोनाथन जहां पर काम करने के लिए गया हुआ था वहां पर रियूज उसे सब कुछ प्लान बताता है। सारा के यहाँ से टॉम जब घर पर आता है तो उसकी वाइफ उसे पूछती है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ? उसे पता था कि टॉम को बदला लेना है, इसी वजह से वो सारा के पास गया हुआ था। टॉम उसे कुछ भी नहीं बताता। टॉम और सारा के बीच में क्या हुआ था ये हमें भी पता नहीं चलता। काम करने से पहले रियूज ने जोनाथन के लिए एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट फिक्स की थी। जोनाथन की रिपोर्ट्स आते हैं पर उसके लिए कोई भी होप नहीं था। इसके बाद रियूज जोनाथन को उसका टारगेट दिखा देता है, कहता है कि आदमी हमेशा प्लेनेटोरियम जाता रहता है, तब वहां पर उसके साथ कोई भी बॉडीगार्ड होते नहीं है। जोनाथन ने उस आदमी का पीछा किया और जब उसके पास कोई भी नहीं था तो गन पर साइलेंसर लगाकर उसे मार डालता है। अपना काम कर वो वापस आ गया। घर आकर उसने सारे पैसे सिंक के नीचे छुपा दिया। कुछ पैसे अपनी वाइफ को दिखाता है और कहता है कि वहां पर मेडिकल रिसर्च चल रहा था, मैंने खुद पर टेस्ट की तो इसके पैसे मुझे मिल रहे हैं। उसने उसे बहुत मिस किया था तो आज रात दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन रियूज ने जोनाथन को फिर से मिलने के लिए बुला लिया। उसे कहता है और एक आदमी को तुम्हें मारना पड़ेगा। जोनाथन फर्स्ट टाइम से ही डरा हुआ था, अब वो फिर से काम नहीं करना चाहता। रियूज उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम एक आदमी को मारोगे और अपनी लाइफ को कंटिन्यू करोगे? उस आदमी के पीछे बहुत सारे लोग हैं, वो तुम्हारी फैमिली को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हें इसे बचना है तो और एक आदमी को मारना पड़ेगा। वो जिस आदमी को मारने के लिए कह रहा था वो डेढ़ आदमी का दुश्मन है। सबको लगेगा कि ये गैंग वॉर था और उस पर कोई भी शक नहीं करेगा। इस नेक्स्ट टारगेट के बारे में रियूज ने आकर टॉम से बात की। टॉम उसे कहता है कि जोनाथन को तुम्हें एक ही काम देना था, ये सेकंड काम उसे अच्छा नहीं लगता। वो रियूज को जोनाथन को छोड़ देने के लिए कह रहा था पर वो मानता नहीं। अगले दिन आकर रियूज ने फिर से जोनाथन को धमकाया कि अगर तुम ये काम नहीं करते तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। अब मजबूरी में काम करने के लिए जोनाथन रेडी था। उसके नेक्स्ट टारगेट को उसे ट्रेन में मारना पड़ेगा। उसका प्लान था कि जब उसका टारगेट टॉयलेट जाएगा तो वहीं पर उसे मार डालेगा। पहले ही जाकर टॉयलेट वगैरह चेक करके आता है। अचानक से टॉयलेट से टॉम बाहर आया। इस सब में जोनाथन उसी की वजह से फंसा हुआ था तो टॉम उसे हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। टॉम ने जोनाथन को उनके टारगेट पर नजर रखने के लिए कही। जोनाथन उसे हेल्प करता है और टॉम ने उस टारगेट को मार दिया। उस टारगेट के पीछे भी जो उसके बॉडीगार्ड्स भी थे उसे भी वो मार डालते हैं। टॉम की हेल्प करने के लिए जोनाथन को भी एक आदमी को गोली मारनी पड़ी थी। इन सब चीजों से वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। जब यहाँ से बाहर निकले तो जोनाथन रोने लग जाता है। कहता है कि प्लीज इन सब से मुझे बाहर निकालो, तुमने ये सब मेरे साथ क्यों किया? टॉम कहता है कि तुमने मेरी इंसल्ट की थी और तुम ये सब काम कर सकते थे। अब तुम्हें बुरा लग रहा है पर टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जोनाथन इस काम के पैसे लेकर फिर से घर पर आया। उसकी वाइफ को अब शक चला गया था। वो कहती कि ऐसा कैसा रिसर्च है जिसके तुम्हें इतने सारे पैसे मिल रहे हैं? जोनाथन उसे झूठ बोलता है पर वो मानती नहीं। जोनाथन ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कुछ पैसे छोड़कर जाना चाहता हूँ। वो इसके बारे में उसे ज्यादा कुछ बात नहीं करता। अगले दिन टॉम और जोनाथन मिले। जोनाथन वरीड था कि उसके फैमिली के पीछे कोई आए ना। टॉम कहता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो लोग मेरे पीछे आएंगे, तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गैंग को पता चल गया था इस सब के पीछे रियूज है। उसे मारने के लिए उसके घर पर आए हुए थे पर वो जल्दी से वहां से भाग गया। वो टॉम को कॉल करता है और उसे हेल्प मांगता है पर अब टॉम उसे कोई भी हेल्प नहीं करने वाला था। टॉम को पता चल गया कि अब कोई ना कोई तो कॉम्प्लिकेशन होने वाली है। उसने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम कुछ दिनों के लिए कहीं और रहने के लिए चली जाओ। टॉम की वाइफ को उसकी सारी चीजों के बारे में पता होता था तो ये बात भी वो समझ गई। टॉम फिर जोनाथन के पास आया और उसे सारी सिचुएशन समझा देता है। उसने कहा कि आज रात मुझे हेल्प करने के लिए मेरे घर पर आना। जोनाथन फिर से अपनी वाइफ से झूठ बोलकर टॉम के पास आ जाता है। उन्होंने फिर पूरे घर में ट्रैप्स बिछा दिए थे, गन्स वगैरह लेकर गैंग के लिए वो रेडी थे। जोनाथन को लग रहा था कि शायद आज रात वो नहीं बचेगा। सारा बहुत ही वरीड हो गई। वो टॉम को कॉल लगाकर पूछती है क्या जोनाथन तुम्हारे पास है, पर टॉम उसे कुछ भी बताता नहीं। अब सुबह हो गई और फिर गैंग के आदमी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इनके घर के ट्रैप में एक आदमी फंस गया था। जोनाथन बाहर जाकर आदमी को देखने की कोशिश करता है। एक आदमी जोनाथन को मारने वाला था पर पीछे से टॉम आकर उसे ही मार डालता है। एक आदमी को इन्होंने जिंदा पकड़ लिया था। टॉम उसे कहता है अपने बॉस को कॉल करो, कहो कि जिन आदमी को तुम ढूंढ रहे थे वो यहाँ पर थे ही नहीं। ये कॉल सक्सेसफुल हुआ और अब गैंग इनके पीछे नहीं लगेगा। इस लास्ट आदमी को भी ये मार देते हैं। तभी सारा जोनाथन को ढूंढते ढूंढते टॉम के यहाँ पर आ गई थी। जोनाथन को उस आदमी को मारते हुए सारा ने देख लिया। वो गुस्से में यहाँ से चली गई। टॉम और जोनाथन सारी बॉडीज को ठिकाने लगाते हैं।
इस गैंग की कार के ट्रंक में उन्होंने देखा तो रील्स की बॉडी पड़ी हुई थी। गैंग ने उसे भी मार दिया था। अब उनकी कार रिवर के पास लेकर जाकर उसे वो आग लगा देते हैं। अब ये दोनों सेफ थे। जोनाथन के पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं और अब वो घर पर पहुंचता है। उसे घर छोड़ने के बाद टॉम जब यहाँ से जा रहा था तो उसने गाड़ी नोटिस की। ये उसे सस्पिशियस लगी और वो जोनाथन के पीछे पीछे आता। जोनाथन के घर पर और कुछ गुंडे उसका वेट कर रहे थे, उसके फैमिली को मारने वाले थे। तभी टॉम वहां पर पहुंचकर सब लोगों को मार देता है। इस गन फाइट में टॉम को गोली लगने वाली थी तो जोनाथन उसके सामने आ गया। यही पर उसकी डेथ हो जाती है, पर मरते वक्त उसके फेस पर स्माइल थी। कैंसर की वजह से अगर उसकी डेथ होती तो बहुत ही स्लो स्लो होती, उसे बहुत पेन होता। आजकल भी वो बहुत ज्यादा पेन में ही था तो उसकी डेथ उसे अच्छी लगी। उसने जो भी किया अपने फैमिली के लिए किया। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में टॉम अपनी वाइफ के कंसर्ट में जाता है। उसकी वाइफ उसके लिए बहुत ही वरीड थी, पर टॉम को देखकर उसे भी अच्छा लगता है। और यही पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिएगा।